पानी भरेगी न काफी, पहले मैं अपने कमंडलों भर लेती। ये बर्तन किस चुड़ैल का? जबान संभाल कर बात कर लंदा भी, नहीं तो एक की दो सुनेगी। खबरदार जो फिर मुझे बहन कहा तो। मेरी बहन क्या तेरी तरह सेठों की यहाँ बर्तन मारती है? चलो उठा अपना बर्तन, चल जा। रोज सुबह सुबह नल पर कब्जा करके बैठ जाती है, जैसे नल इसके बाप का सारी चाली को तंग करके रखा है। काम धंधे वाले मुंह देखते रहते हैं और ये निफटे के जोरों सबसे पहले पानी भरती है। देखती हुई कैसे पानी भरती, पहले मेरी बाल्टी भरेगी, फिर राधा तेरी, काशी तेरी, जमुना फिर तुम भर लेना। हाँ तेरी ये मजाल, देख ली तुम कर तो मुंह संभाल कर बात कर, कहीं मेरा हाथ ना उठा दिए। दांत क्या निकालती है? आज मेरा बर्तन थे, कल तुम सबका फेंकी। अगर एक गंगा साफी आए बोलने, पत्थर पड़े तेरी अकल पर। दो टक्के के नौकरानी को रानी से मिला दिया, इसकी मेरी क्या बराबरी? तेरी बराबरी कौन करे? चल सकता है गंगा, जो मरे ऐसा खत्म पानी। ये सुबह सुबह किसको दुआएं दे रही हो रानी? अपने माँ बाप को। ओ, क्या किया उनसे? सोच रही और तुम औरतों की तरह मुँह छुपाए यहाँ पड़े हो। रानी मेरी जगह तुम जो मर्दानगी दिखा रही हो। ए हे हे हे, शाम को कफन लपेट कर सोते हो और दोपहर को उठते हो, क्या तुम पर भी उस चुड़ैल पारों के खसम की छाया पड़ गई है? चलो उठो, उठो। हरे कानों में अजी अमरुद, मैं पूछती हूँ कब नहाओगे, कब खाओगे, कब दफा होगे मिल में? क्या मिल में से निकलने की ठानी है? मेरी रानी, मिल से निकल भी जाऊँ तो कोई परवाह नहीं, मगर तुम्हारे दिल से नहीं निकलना चाहिए। कितना कोमल है दिल तुम्हारा। देखा देखा, जगा दिया ना मेरे लाल को। हाँ माँ, कल से मैं पक्की नंगूठा करूंगा। क्या कहने तेरे लाल के, हजारों में एक है। आग लगे तुम्हारे मुंह को, लाखों में एक कैसे, क्या मौत पड़ती है तुमको? जा मिल को दफा हो। मेरे लाल का स्नान भी तो करा है। लाल को कहो कि जाकर नल पर नहा ले। अरे वाह, न लग जाएगी मेरे लाल को? हाँ बाबू, मुझे नजर लग जाएगी, हम यही स्नान करेंगे। जी मेरे लाल जी, तुम माँ बेटा जरूर मुझे गंगा स्नान कराओगे। क्या कहता है बाबू? तेरा बाबू देर से घर आया है, आँख खुल जाएगी। आँख तो देर सवेर खुल ही जाएगी, पर बापू की किस्मत खुलनी चाहिए। हाँ क्यों है ना? चलो उठ, मैं तेरे लिए खाना तैयार कर दी। जा तो मैं भी जल्दी तैयार हो जाता। चल मैं जल्दी करना, मेरे जाने का टाइम हो गया। कितनी देरी करती है तू? क्या क्या डाला है तुमने? सब्जी, रोटी, प्याज, एक प्याज और भी डाल। और मैं एक रोटी दे सकेगी? क्यों, तुझे और चाहिए? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरा दोस्त है रामू, उस बेचारे को नाम मेरे नाम। बस ये तू तो बड़ा दादा हो गया, तो फिर चल मुझे सीढ़ी तक पहुँचाने। क्यों माँ, जिस दिन तेरा मुंह देखता है ना, वो दिन बड़ा अच्छा रहता। सरी कहीं चल। देख बंसी, रास्ते में संभाल के जाना। हाँ हाँ, संभाल के जाऊंगा। टाटा टाटा। जूते साफ करने वाले भी तय तय करने लगे। जूते ही साफ करता है, किसी की जेब तो साफ नहीं करता। खबरदार अगर हमारे बारे में ऐसे ऐसी बात की तो। ओए हाय, अरे जमुना सुना तूने, अभी चाली में सच बोलने की भी मनाही है। जूते साफ करने वाले को अब क्या राजा कहे? जी भर के चिल्ला चुकी ना, एक तो रात भर नींद नहीं आती और जरा सुबह सुबह नींद आने लगी बस तरह शुरू हो जाता। कैसी बातें करते हो, तुम्हारी इतनी श्रद्धा क्यों उठ गई है भगवान से? श्रद्धा क्यों रहे, श्रद्धा उस पर क्या दिया उसने हमें? अरे जो भूले से भी नाम नहीं लेता उनका तो खजाना भर देता। तू सुबह शाम चिल्लाती रहती है, पेट भर के खाने को मिलता तुझे? कैसे उल्टी सीधी बातें करते हो? उल्टी नहीं सीधी बात कर, उल्टी खोपड़ी तो है तेरे भगवान की। अरे जिस हाथ से तू फूल चढ़ाती है उसी हाथ से दूसरों। तो क्या हुआ,
ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। अरे कर्मों का फल है, बैठ, क्यों माथा घिसती उसके आगे? क्या दिया उसने तुझे? क्या नहीं दिया उसने, तुम्हारे जैसा सुंदर और अरे शंकर गिरधारी भाई अरे वो तो गया था कल्याण के कारखाने में। कल्याण तो गया था गिरधारी भाई, लेकिन अपना कल्याण नहीं हुआ। क्यों? हाँ तो आदमी की जरूरत है ना। बकवास कर रहे हैं। ओह अब आता हूँ रानी, आता हूँ। आया आया, तुम घबराना नहीं, मैं दूसरी जगह बात करूँ। आग लग जाए चूल्हे को, कैसे गीली लकड़ी लेकर आता है तेरा बाप? माँ मेरा बाप आए ना तो ये लकड़ी उसके सिर पर मारना। कितना होनहार है माँ का लाल। पर ना जाने क्यों लाल के बाप की अकल पर पत्थर पड़ गए। हरारे गहरे से मतलब है, फिर कभी मैंने तुम्हें उस शंकर के पास देख लिया तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही ना? मेरी रानी शंकर भी आदमी है, कोई भूत नहीं जो मुझे चिमट जाएगा। बाल उड़ गए पर अकल ना आई। शर्म नहीं आती उस बेशर्म से बातें करते जो जोरू और बेटे को काम पर भेज कर खुद आराम से बैठ कर खाता है। हमारा रोस्ता क्या मेल? हम फिर भले। अच्छा अच्छा चलो अब जल्दी से चूल्हा जला कर चाय बना। नहीं माँ चूल्हा तुम जला, मैं बापू को गोरा बनाकर उस पर बैठूंगा। गोरा बाबा मेरे काम का वक्त हो रहा है। जरा सी बात के लिए रुला दिया ना मेरे लाल को, और उस निकट्टू से घंटा भर बात करते रहे। चलो चलो बनो घोड़ा। मैं घोड़ा कैसे बन सकता हूँ रानी? तो फिर गधा बनो। अबे चुप है गधे का बच्चा। अरे थोड़ी देर के लिए बन गई तो क्या हुआ, चलो बनो। गंगा बहन आज बाबू गधा, बाबू गधा। नहीं। क्यों बीड़ी नहीं पियोगे? रात पी ही लूं बीड़ी, जब बिहारी की रोटी तो खाना रखा है, वक्त पे खा लेना। हाँ खा लूंगा। अरे वो जमुना, वो मशहूर फिल्म का गाना सुना है तूने? ओ चली गोरी सी के मिलन को चली, अरे गोरी सी के लिए। अरे मैं तो खुद ही नाच रही हूँ, पर ये निगोड़ी दुनिया खसम को उंगलियों पर नचाती है। मैं तो बर्तन मांजने के लिए कोई बनखर के छोड़े ही जाता है। बोला गंगा। अरे मैं तेरा नाम थोड़ी ही ले रही हूँ, मैं तो दुनिया की बातें कर रही हूँ। नमस्ते। कल की दावत गाने वाला भी आया था, भगवान का भजन गाने वाला। हाँ सेठानी जी, तेरे मुंह में घी शक्कर। ओ पार बच्ची क्या कर रहा है? हाँ यहाँ लगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। राम राम दादा। राम राम भाई। अरे शंकर इतना किधर जा रहा है? इतना इधर इनको रावण बनाने में मदद क्यों नहीं करता तू? हर साल तो तू बनाया करता। दादा क्या करूँ, साल भर से नौकरी नहीं, मारा मारा फिर रहा हूँ। क्या कहा, नौकरी नहीं? नहीं दादा। तो तू जा नौकरी ढूंढ है। अच्छा दादा नमस्ते। राम राम। अरे पंडित इस बेचारे के पास साल भर से नौकरी नहीं है। अरे काय का बेचा, नौकरी नहीं तो क्या हुआ, उसकी औरत तो कमाती है। अरे पंडित ये तू क्या क्या नहीं है? अरे दादा स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। अरे भाई को हिंदी में बोल, हिंदी में समझाया पंडित, हिंदी में। पुरुष का भाग्य भगवान भी नहीं जानता तो क्या तू जानेगा? दुनिया। अरे ओ पार्वती मैं कहता हूँ तू बर्तन घसती करती रहती है, खाना कैसे पकाऊं, हाथ में पकाऊं? अरे चिल्लाता क्यों है, पहले चावल तो भिगो दो, मैं अभी बर्तन घिस रहती हूँ। अरे मैं खूब समझता हूँ, सथानी में तुझको सब बना कर रखा है, तुझको तो मैं घर से निकाल के पानी पीऊंगा। अबे कहूं किसे देता है? चप्पल सैंडल मर्दाना या जनाना है सबका एक ही।
तुम्हारा हाथ क्या चलता है, इस चाली में तुम्हारे जैसा कोई पापड़ नहीं बेल सकता। अरे कोई घर में बेलता है, कोई बाहर जाकर बेलता है। तुझे मालूम नहीं, हमारी ही चाली की एक औरत दिन भर बाहर जाकर पापड़ बेलती है और मर्द निगोड़ा घर में बैठा रहता है। लेकिन ये सब उसका मर्द कैसे देख सकता है, क्या उसकी आंखें फूट गई है? अरे जोरों की कमाई खानी होती है ना, तो आंखों पे पट्टी बांधनी ही पड़ती है। कहा बहन, मैं क्यों चुप रहूं? मैं क्या किसी का नाम ले रही हूँ? समझदार को इशारा काफी है। हाँ हाँ, अरे नफरत तो देखो, हम पर रोब झाड़ता है। अरे रोब जमाना है तो अपने बीवी पर जमा, जो आंखों के सामने सेठों के मार जाती है। लेकिन गंगा बहन, इसमें औरत का क्या कसूर, जब मर्द ही लाचार हो तो? अरे ये तो मैं भी कहती हूँ। राम राम, हमसे तो ये पाप देखा नहीं जाता, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। जब मर्द को ही जोरों की ये हरकत पसंद है, कैसा उल्टा जमाना आया है। जोरों कमाए और मर्द हुए घर में बैठ कर खाए, ऐसी रोटी खाने से तो ये बैल चोरी खा लेते। सच कहती हूँ, भोला का बापू ऐसा करे तो जहर खिला दूंगी जहर। जब औरत कमाती है तो मर्द को काम करने की क्या जरूरत है? औरत को जबान काबू में रखना चाहिए गंगा बहन। पहले अपने औरत को काबू में रख, दूसरों को रोक झाड़ता है। मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है। चोर के दाढ़ी में तिनका, बेल पापड़ बेल। अरे पापड़ बेल। अरे ओ पार्वती, जल्दी बर्तन लाना, एक बर्तन के घटने में एक घंटा लगता है। सिखानी जी, पार्वती को नौकरी से निकाल दीजिए, बिल्कुल नहीं काम करती। अचार जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, और नौकर जितना पुराना होता है उतना ही कामचोर होता है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज तुमने। पार्वती को तो अपने यहाँ काम करते हुए सिर्फ एक साल हुआ, लिम करते हो। नौकर जितना पुराना होता है उतना ही कामचोर होता है। लेकिन सिखाने जी बर्तन नहीं मिलता तो मैं क्या कर सकता हूँ? पारो, सिखाने जी ये तो बेहोश हो गए, क्या होगा? पारो पारो पारो, अरे ये तो सचमुच बेहोश है, किसे दौरा पड़ा? अरे काहे का दौरा सेठानी जी, ये सब काम चोरी का दौरा है। चीनी के बर्तन टूट गए हैं ना, इसीलिए ये नाटक कर रही है। चुप रहो महाराज, हमेशा उल्टा सोचते हो। अरे इसको उठा के अंदर ले चलो। अरे महाराज जल्दी दो प्यार। पारो जी होश में आओ, पारो जी, पारो पारो पर होश में आ जाओ। पारो पारो होश में आ जाओ। पारो पारो नहीं नहीं लेती रहो, उठो मैं नहीं। महाराज जल्दी गरम दूध ले आओ। अरे ये क्या करती है पगली, ये मेरी जगह नहीं है, मैं नहीं अच्छी हूँ। पारो अब तो तेरी तबीयत ठीक है ना? आज तुझे ये क्या हो गया? चक्कर आ गया था सेठानी जी, मेरे हाथ से बर्तन टूट गए। अरे मुझे माफ, उसमें क्या है, रो मत। खैर मैं अभी डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं सेठानी जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर और क्या कहेगा। क्यों, ऐसे दिनों में चक्कर आया ही करते हैं। अरे तो क्या तेरे यहाँ? हाँ तो ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे नाजुक हालत में काम क्यों करती है? काम न करूं तो खाएंगे क्या? क्यों, तेरा मर्द भी तो कमाता होगा। कैसे बताऊं सेठानी जी,
एक साल से उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इतनी बड़ी बंबई शहर में उसे कोई काम नहीं मिलता? जो काम उन्हें मिलता है वो उसे जानते नहीं, और जो वो जानते हैं वो उन्हें मिलता नहीं। क्या काम जानता है तेरा पति? वो एक बहुत अच्छे कारीगर है, मेज कुर्सी पलंग लकड़ी का सभी काम जानते हैं। पूरी बंबई में उनके जैसे दो चार ही कारीगर होंगे, और तेरे जैसे मूर्ख पूरी बंबई में एक ही होगी। घर में गंगा बह रही और तू प्यासी बैठी। जानती नहीं, हमारा फर्नीचर का बहुत बड़ा कारखाना है, 200 आदमी काम करते हैं, उसमें तेरा पति क्या ज्यादा होगा? दूध ये दे, दूध पी ले। मैं अभी सेठ को फोन करती हूँ। पी ले, दूध पी ले। क्या कहा? टेंडर अभी तक नहीं मिले? मैं देखता हूँ। क्या है मुरारी? हुजूर, बात यह है कि काम बहुत ज्यादा है, आदमी है कम। अगर आप इजाजत दें तो दो चार आदमी और बढ़ा दिया जाए। तुम कैसे मुकादम हो? दूसरा आदमी रखे फिर भी काम तुम्हारा बढ़ने आया? हुजूर, उसमें से मेरे काम के आदमी बहुत कम है। क्या मतलब? मतलब यह है कि दो चार आदमी अगर बढ़ा दिया जाए तो दिवाली तक ठेके का काम पूरा हो सकता है। अरे एक एक करके तुम कितने आदमी बढ़ा लोगे? कुछ नहीं, और एक आदमी नहीं मिलेगा तुम। हाँ, कौन है भाई? ओ गया, तू छे? अपने पार्वती छे ना, घर में काम करे छे, एने छोकरो आवानो छे। तू छोकरो आमा? ए बेचारी ना धणी ने कई नौकरी चाकरी नथी, अने वधारे दिवस काम करी सके एम पार्वती नथी। माते कई पण करीने अपना कारखाना मा एने धणी ने नौकरी मळवी ज जोईए। आपसो ना? हाँ, तू एक काम करनी, तू पहला ने चिट्ठी लिखी ने मोकली आप, हूँ मुकादमे कही राखीश। वारू, हूँ चिट्ठी लिखी आपीश। हाँ हाँ, नज बात आपसो। तुमने आदमी जो है ने, तुमको आदमी चाहिए ना? हुजूर, आपको जरूरत नहीं, मैं काम चला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा करो, कल एक आदमी आएगा सिठाने की चिट्ठी लेकर के, उसको रख लेना काम पे। जाओ। बहुत अच्छे। हाँ रामदयाल, तुम्हारा काम नहीं बना पाएंगे क्योंकि सेठानी की तरफ से कोई कारीगर आ रहा है। लो भाई, अपना नोट वापिस लो। इसे वापस करने की क्या जरूरत है मुकदम साहब? आज ना सही तो कल सही। अगर हिम्मत रखोगे तो फल पाओगे। है आप हैं तो काहे का डर है। अच्छा, ये ले चिट्ठी और तेरे पति को दे दे, कल सुबह कारखाने में जाने के लिए बोल देना, सेठ ने कहा है नौकरी मिल जाएगी। सेठानी जी, आपने हम लोगों की जिंदगी बना दी, नौकरी मिलते ही वो बड़े खुश होंगे, अब हमारा घर घर बन जाएगा। मैं आपका घर कभी नहीं भूलूंगी, भगवान आपको सुखी रखे। सेठानी जी, पग दे, अब ज्यादा काम मत करना। क्यों शंकर, नौकरी मिल गई? अरे कहाँ दादा, वही के वही हाल, अपनी किस्मत ही खराब है, क्या करूँ। तुम्हारी जैसी किस्मत कम लोगों की होती है। क्या मतलब दादा? लड़का कमाता है और ये पंडित कहते हैं, पंडित जी जरा, कि तुमने अपनी बीवी को बड़े सेठ के वहाँ रख दिया। दादा, अब क्या कहा था पंडित तुमने? तेरी बीवी सेठ क्या काम नहीं करती? काम करती तुमने, क्या रख दिया? हाँ, वही सही। चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम् देवो न जाने पुरुषम्। क्या मतलब है? कितनी क्रिया के अंदर क्या बोल रहा है? छोड़ो शंकर, तुम जाओ घर, मैं इसको खड़ा कर दूंगा। दादा जाओ जाओ। हाँ, अरे चलो चलो जल्दी काम करो। मंजू तुम आउट है? नहीं बोला, तू आउट है, तेरा दम टूट गया था, मैं नहीं आऊंगा। टूटा नहीं दम, अटका था। या ना अटका किधर था, खेल में रोता है। या घाघरा चोली पहन के, घाघरा चोली लड़की। हाँ लड़की, तो क्या हुआ? हाँ तो निकल यहाँ से, निकल। नहीं निकलता, देखता हूँ कौन मुझे निकलता है। ये जगह तेरी गंगा बाप की है? बाप का नाम? हाँ, निकालो, किसी की डर है? बोल, देख बोला, मैं तुझको मार डालूंगा, मैं तुझे काटूंगा।
तो क्यों मरेगा? मरेगा वो कंगाल की औलाद। अरे ओ गंगा, अरे ओ राधा, अरे कोई दौड़ा, अरे कोई है, दौड़ो दौड़ो, अरे पूछ क्या है, आगे फुट गई है क्या तेरी? देखना मार मार के क्या हाल कर दिया मेरा उस कंगाल की औलाद ने। अरे जाओ जाओ, वो क्या देख रही है, कोई पुलिस को बुलाओ जल्दी। अरे जाओ, आज मेरे बच्चे को मारा है, कल तुम्हारे बच्चों को मारेगा, परसों सारे दुनिया के बच्चों को मारेगा। हाँ बच्चों को मारेगा। अरे गंगा में देवी आ रही है, जाओ जाओ जल्दी कोई फापू लेकर आओ। ये मुआ बंसी और डायन का बच्चा है, खबरदार था मेरी माँ को गाली दी। ये लड़के देवी को उल्टा जवाब देता है। तेरी अंगूठी खो गई है ना, देवी से पूछ ले। देवी मेरी अंगूठी खो गई है, कहाँ है? जय देवी, जय देवी। तुमको लगा, तुमको लगा, तुमको लगा। अंगूठी देवी, देवी अंगूठी सोने की, आधे तोले की, पीले रंग की। हाँ हाँ सोने की अंगूठी, कुछ है थी? यही है, यही है, यही है, इसी चाली में, इसी चाली में। किसी कंगले के घर में, किसी कंगले के घर में। कंगले के घर में? कंगले तो यहाँ बहुत ही है, किसी का नाम तो बताओ देवी। बाप माँ क्या देवी? रुक 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 रुक, ये झूठ बकती है, झूठ बकती है। मेरी माँ चोर नहीं, मेरी माँ असली देवी, असली देवी। ये डायन है, डायन। अगर ये असली देवी हो तो बतलाओ ये लड़का है या बंदर? तेरा बाप बंदर, तो बंदर, तेरी माँ बंदर। क्या हुआ, क्या क्या बंसी ने? पापाया पूछने के लिए क्या हुआ है? ये अपने औलाद से पूछ क्या हुआ है? मार मार के मेरे बच्चे को सुअर बना दिया है। अरे औरत का तो नहीं संभाल सकता, औरत की कमाई खाता है, पर इस सब बोले को तो पिटा है। चल 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 चल। अरे वो क्या देख रहे हैं? थाना पुलिस को बुलाओ। चल अंदर, बता बदमाश, बदमाशी करेगा तू और गालियां सुनू मैं? चुप रह, तो उसके साथ खेलने गया, हजार बार तुझे मना किया। मैंने नहीं उसे मारा, उसने बस फिर झूठ मौत बच्चे ने जीना मुश्किल कर दिया। क्या से बंसी माँ, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मारा इसे? उस कंगाल की औलाद से पूछ जो अपनी औकात को भूलकर अमीरों के बच्चों के साथ लगता है। आज मैं तुझे भोले को मारने का मजा दिखाता हूँ। बस बहुत हो चुका। क्या बात हो चुका? उसकी वजह से मुझे भोले की माँ से क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। तुमने उस स्टूडेंट की बकवास सुनकर इसे पीटा। तो क्या झूठ बोल रही है वो? झूठ नहीं तो क्या, वो तो ऐसी है, लेकिन तुमने उसकी बात क्यों मानी? तू चुप रह, इधर आ। छोड़ दो इसे, नौकरी न मिलने का गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हो। क्या रख रही है तू? ठीक कह रही हूँ, बेचारा दिन भर का थका काम से लौटा। और तू भी काम से आई, निकम्मा तो मैं ही हूँ ना, यही सुनाना चाहती मुझे। सुनो। चल चल बहुत सुन चुका। रो मत मेरे लाल, मैं तेरे लिए मैंने तेरे बापू से झगड़ा कर लिया ना। अच्छा नहीं किया तूने, बापू दो तमाचे और मार लेता, लेकिन अब गुस्से चला गया, न जाने कब आएगा। घबराओ नहीं बेटे। तुम बंसी, तूने भोले को क्यों मारा? माँ मैंने भोले को नहीं मारा, मेरा कोई कसूर नहीं, उल्टा भोले ने काट खाया। अरे कितना काट खाया भोले ने? चला मैं तुझे तेल लगा देती हूँ, दांत ना टूट गए उसके। मां अगर तू करके तो कल मैं उसका सारा दांत तोड़ दूंगा। खबरदार अगर ऐसी बातें की तो फिर मैं तुझे पीटूंगी। तू उस पगले के साथ खेलता क्यों है? क्या करूं मां, ना खेलूं तो लड़की की तरह रोता और खेलूं तो कुत्ते की तरह काटता। चल जा मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सुन लिया है लोगों ने? सुन लिए? हाँ। अरे बस करो, बस बस। अरे तू तो मेरा बेटा होते हुए झगड़े में हार गया जी, लाज ना आई तुझे? माँ तुम्हारा बेटा कभी हार सकता है? मैंने बंसी को ऐसा काट खाया था, ऐसा इतनी जोर से काट खाया? हाँ। आखिर बेटा किसका है? तुम्हारा। शाबाश, अभी मैं अपने लाल को हलवा खिलाती हूँ। फिर मुझे हलवा नहीं गए, मुझे भजिया चाहिए। भजिया खिलाओ, मैं अपने लाल को अभी बनाती हूँ। बनाओ।
माँ, पांव दबाने की तो बात समझ में आती है, चलते फिरते थक जाते हैं, पर तुम मेरे हाथ क्यों दबा रही है? ये हाथ भी तो दिन भर पॉलिश करके गुजारते होंगे। बड़ी भोली है माँ, मैं पॉलिश हाथों से थोड़ी ही करता हूँ, मैं तो ब्रश से करता हूँ, ब्रश से। माँ, तेरे हाथ भी बर्तन घिसते घिसते थक जाते होंगे, ना मैं दबा दूँ? मैं भी बर्तन हाथों से थोड़ी घिसती हूँ, मांझे से घिसती हूँ, मांझे से। सच्ची? नौ बज गए माँ, बापू अभी तक नहीं आए। गुस्सा उतर जाएगा। बड़ी, अरे ये ले गोलियां भी खा ले। धारी मामा। छी छी छी, आहिस्ता बोल नहीं तो मुझे गालियां खानी पड़ेगी। हाँ, अरे खोल खोल पुड़िया खोल। मामा तू भी चल। अरे खैर तो है, आज के डबल बाजा क्यों बज रहा है? अरे बताओ तो सही। अरे बोले तू बता। बात का तुम माँ को ही पता है। क्या बात है माँ, हम क्यों रो रहे हैं? हम रो रहे हैं तेरे बाप की अकल पर। क्या अकल पर? भगवान न करे मुझे कुछ हो गया भोला, तो तुझे कौन संभालेगा? मुझे कौन संभालेगा? अरे पहले उसको मरने तो दे, फिर मैं संभाल लूंगा। हाय हाय, मेरी मौत मांग रहे हो? जूते मार मार के सुअर बना दिया है मेरे लाल को। तो और क्या बनाता है इसको? दिखा अपना सर, दिखा बेटे, देखो। माँ, सर पे नहीं मारा, मुंह में थप्पड़ मारा। अरे तो मुंह ही दिखा, कुछ तो दिखा, दिखा, दिखा। देखो बाबू, देखा, मैंने मुंह लाल कर दिया है मेरे लाल का। मुंह थप्पड़ खाकर नहीं, हलवा खाकर लाल हुआ है। चलो अब छोड़ो बच्चों की बातों को। अरे बारे बच्चों की बातें, मैं वक्त पे वहाँ ना पहुँचती तो वो इसे जान से मार डालता। अरे मुंह क्या देख रहे, जाओ पुलिस को बुलवाओ और बंसी को हथकड़ी लगवाओ। माँ, मैंने बंसी का काट खाया था, अब हथकड़ी कैसी लगेगी? सुन लिया, कसूर तेरे लाल का है। चल छोड़ बच्चों की बातों को, अब दे खाना मुझे। आज मैंने खाना नहीं बनाया, हलवा बनाया था। ओ तो फिर हलवे का जलवा दिखा दो ना। हलवा खाने के लिए मुंह चाहिए मुंह। हाँ बाबू, हलवा के लिए मुंह चाहिए। वाह वाह वाह, तभी खा रहे हो तुम, जियो मेरे लाल। अरे हम तो जिएंगे ही, पर वो शंकर के घर मौत क्यों नहीं आती? क्यों किसी गरीब को कोसती हो? चलो खाना दो मुझे अब। खाना खाना है तो अपने हाथ से बना कर खाओ। चल बोले। हाँ चल, हाथ से बनाओ। वाह 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 मेरे श्रवण कुमार, जियो। लोगों ने कहा भी था कि श्राद्धों में ब्याह ना करो, अकल मारी थी। धोबी से जब पूछा गया, तुम अपने औरत पर यह अन्याय क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा, औरत का चाल चलन शुद्ध होना चाहिए। मेरी औरत बदनाम हो गई है, पड़ोसी उसे कलंकी नहीं कहते हैं। ऐसे बदनाम औरत को मैं घर से बाहर ना निकालूं तो क्या घर में रखूं? धोबी का यह कहना सुनकर प्रभु राम सोच में पड़ गए। कितनी देर लगा दी, खाना कब से तैयार है? चलाओ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया तुमने। मुझे भूख नहीं। तुम्हें मेरी कसम है जो खाना ना खाओ, जिद ना करो, आ जाओ। खाने पे गुस्सा नहीं किया करते, भगवान नाराज हो जाते हैं। क्या कहने करे भगवान, एक 6 फुट का जवान को जोरू की कमाई खिला रहा है। फिर वही बात, आज तक तो तुम्हें खिला रहे थे, गुस्से में दो चार दिन मेरी मजदूरी से चूल्हा जल गया तो क्या हुआ? और फिर कल से तो। कल से तो क्या? पहले खाना खा लो, फिर बताऊंगी। पहले तो बता, फिर मैं खाना खाऊंगा।
कल से तुम्हें एक नई नौकरी मिल गई है। नौकरी कहाँ? जहाँ मैं काम करती हूँ उसी सेठ के पास। समझा। बहुत बड़ा कारखाना है उनका और सेठ भी बड़े। मैं मर जाऊंगा मगर ये काम नहीं करूंगा। काम नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्या समझ आता तूने मुझे? मेरी रगों में शराफत का खून भरा है। मैं मर सकता हूँ मगर गिर नहीं सकता। बड़ी इज्जत की नौकरी दिलाए मुझे। मैं सेठ का बिस्तर लगाऊं, तू सेठ के पैर दबाए। सर तो नहीं फिर गया तुम्हारा? क्यों नहीं फिरेगा सर? जब मेरी सिफारिश लेकर सेठ के पास गई थी तो ये पल्लू कहाँ था तेरा? ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो लोग कह रहे हैं। मैं समझता था वो लोग वक्त है, तू सच कह रही। अब मालूम होगा वो सच कह रहे हैं, तू। शर्म नहीं आती तुम ऐसी बातें करते हो? शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि अपने मर्द की आंखों में झूल झोंक कर खुद मौज कर रही है। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। यही लिखा था मेरे दिल में, यही है मेरी सेवा का मत। क्या इसी दिन के लिए तुम मुझे सहरा बांध के लाए थे? ये नकली आंसू किसी और को दिखाना, मैं खूब समझता हूँ तेरी चरित्र। जहर उगाने से पहले तुम मेरा गला क्यों नहीं घोटते थे? मुझे मार क्यों नहीं डालते? हट जा। इसी तरह का अन्याय पुरुषों ने औरतों पर किया है। दमयंती को छोड़ राजा नल चला गया। अहिल्या का कौन सा दोष था जो गौतम ने उसे श्राप देकर पत्थर बना दिया और जिनके चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ? वो राम ने भी सीता के साथ क्या कम अन्याय किया? एक धोबी के कहने पर उन्होंने गर्भवती सीता का त्याग किया। लक्ष्मण उसे वन में ले गया और उसने राम की आज्ञा सुनाई। प्रभु राम ने आपका त्याग किया है क्योंकि आप पतिता हैं। सीता और पतिता, सीता ही सुन नहीं सकी, वो धरती पे गिर पड़ी। को दे बैठे एक पतिता का नाम।
ज्यादा तो नहीं लगी पा रहा। बोल पर तो बोलती नहीं। क्या बोलू, ये सब सुनने से पहले मैं मर जाती। बच्चा था मरने के बाद तो मैंने किए पारो, मेरी जबान क्यों जल गई? तुझे बुरा भला कहने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा था। मैं जानता हूँ मेरा कसूर माफ करने लायक नहीं है। मैं तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। कहीं भी चला जाऊंगा पारो। मैं जानता हूँ मैं तुझे और बंसी को बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सब पड़ोसी का कसूर है। बुरा भला कहते हो तुम्हें कुछ दिन आते सच कहते मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ पारो तुझमें कोई खोट नहीं। कम वक्त मेरा गुस्सा ऐसा है कि बस मैं पागल ही हो जाता हूँ। लाख कोशिश करता हूँ लेकिन समझ नहीं आता क्या हो जाता है। गुस्सा ना करो तो एक बात कहो। गुस्सा नहीं करूंगा पारो, तो दिल खोल के बोल, मैं चुपचाप सुनूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा उतना ही बुरा है। आज तुमने बंसी को यूं ही पीटा, उसका कोई कसूर नहीं था, उल्टे भोले ने उसको काट खाया था। अरे तो उस गधे ने मुझसे, देख मुझे फिर गुस्सा आ रहा है, उस गधे को मुझसे कहना तो चाहिए था ना। मगर तुम कभी किसी की सुनते हो? मेरी बात भी कहां सुनी, मैंने तो सेठ जी को कभी देखा भी नहीं, बातचीत तो दूर रही। मेरी बात तो सेठानी से हुई थी, बहुत बड़ा कारखाना उनका मेज कुर्सी बनाने का। उस सेठानी भी बड़ी दयालु है, आज काम करते करते मुझे चक्कर आ गए तो उसी ने संभाला। अरे तुझे चक्कर आया तूने मुझसे कहा नहीं, कल सुबह तुझे अस्पताल ले चलूंगा डॉक्टर के पास। घबराओ नहीं, मैं अच्छी बीमार हूँ। अच्छी बीमार? ये बीमारी क्या अच्छी होती? कभी कभी। कभी कभी नहीं समझे? नहीं, हमारे घर मेहमान आने वाला है। ओ अब समझा, कड़की के मौसम में मेहमान आ रहा है इसलिए तू बीमार बन गई। पर डरने की क्या बात है, मुझे उसका नाम बता दे, मैं उसे लिख दूंगा कि माता भाई। नहीं समझे, भाई नहीं बेटा। किसका बेटा? ओ अब तो मुझे चक्कर आ रहा पारो, अब समझा मैं। अरे कैसे हैं तेरे गिरधारी जी, ऐसी हालत में किसी को कोई? ऐसा मत कहो, आने वाला अपना भाग लेकर ही आता है। और इस हालत में मैंने तुझे मारा पारो, अरे मेरी यह हाथ टूट क्यों नहीं गया? मैं फिर गुस्सा, यही हाथ तो मेरे कारीगर की दौलत है। बोलो अब जाओगे ना चिट्ठी लेकर? अभी जाता हूँ पारो। अरे इतनी रात को? अरे हाँ इतनी रात को, आप जान करेंगे पागल। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ पारो। चलो रोटी खा लो। चलो। नहीं नहीं नहीं। क्यों, सुबह से खाली पेट हूँ? पहले तो अपने मेहमान को खिला दे तब खाऊंगा। ए उठ बेटा, चल उठ। मुझे तो बैठे हुए ना, वो शेर नहीं है, मुकादमा है। अच्छा जाओ जाओ। हाँ भाई आओ। क्या भाई? राम राम। राम राम। मैं सेठाने जी की चिट्ठी लाया हूँ। ओ तो तुम ही हो वो कारीगर? वो कारीगरी दिखाई तुमने साहब? हाँ पांडू साहब के लिए कुर्सी फैलाओ जल्दी। कुर्सी नहीं, मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। हाँ हाँ भाई, आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो हम अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे भाई। मगर एक बात है, 7 रुपया रोज मिलेगा। कल से तुम अपने औजार लेकर स्टैंड सिनेमा पर पहुंच जाओ सुबह 7 बजे। ठीक। वो तो कारखाना हुआ तो औजार होंगे ना मुकदम साहब? आपको कारखाने में नौकरी नहीं दी जाएगी, आपको तो टेम्पररी रखा जाएगा, समझे? लेकिन मुकदम साहब औजार तो नहीं मेरे पास। तो फिर डंडे बजाओ भाई, इसका जिम्मेदार तो हमने कि तुम्हारे पास औजार भी नहीं और काम करने निकले हो। लेकिन सेठानी जी की चिट्ठी है मेरे पास। हाँ सेठानी जी की चिट्ठी है तो क्या मैं उससे चबा जाऊँ? इसमें लिखा है तो उन्हें नौकरी दे दो, ये नहीं लिखा कि औजार दे दो, मिठाई दे दो, हलवा दे दो, बिस्तर दे दो, क्या क्या दो। आगे भाई आजा। नमस्ते सर जी। क्यों पूजा की तैयारी हो गई? जी हुजूर सब कुछ तैयार है। अच्छा हुजूर ये है वो कारीगर, मैं सेठानी साहब की चिट्ठी लाया हूँ। हाँ हाँ मालूम है हुजूर, मैंने कल से उनको काम पर बुलाया है। ठीक है कल से काम पे आ जाना है।
अच्छा बड़े लोगों के पीछा नहीं क्या करते, तुमसे कह दिया ना कल से औजार लेके काम पे चला, औजार लाओगे या नहीं? या तो फांडो। मैं औजार ले आऊंगा मुकदम साहब। अच्छा सीधे चले जाओ अभी। ए गाड़ी को हाथ मत लगा, जाओ यहां से। मालूम फ्रांसिस से सिफारिश लेके आते हैं। पांडो कल से तुम भी काम पे आना। अच्छी बात है, समझे ना। एक बीड़ी है पर। क्या हुआ, नहीं मिली नौकरी? नौकरी तो मिल गई 7 रुपए रोज की, लेकिन 7 रुपए रोज की? फिर तुम्हारे होटल में हंसी क्यों नहीं? हंसी लाऊं कहां से, 70 रुपए जो चाहिए। 70 रुपए वो किस लिए? क्यों औजार नहीं खरीदना है? अपने पास औजार है कहां, सब तो बेच डाले। तो क्या वहां? हाँ पारो, वहां बिना औजार वाले को काम नहीं मिलेगा। ये सब मेरा ही दोष है, मेरी ही बीमारी की वजह से तुम्हें औजार बेचने पड़े। अरे नहीं पारो, तो ऐसा क्यों सोचती है, तेरे लिए तो बेचना पड़ा ना। लेकिन अब क्या होगा? होगा क्या, नौकरी मिली और गई बस। नहीं नहीं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तुम्हें कुछ भी करके नौकरी मिलनी ही चाहिए। मैं समझता हूँ पारो कि ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि तू अब करूं क्या, ये घर बेच के 70 पैसे नहीं मिले तो 70 रुपए कहां से लाऊं? तुम अपने किसी दोस्त के पास क्यों नहीं मांगते? हम बुके रख कर भी उसकी एक एक पाई चुका देंगे। कड़की में कोई किसी का दोस्त होता है, और होता भी तो मखन चू खुद कड़का होता है। तुम जाओ तो सही, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। देख मैं भगवान के लिए तेरे लिए जा रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए सही। किशन भैया मुझे 7 रुपए रोज की नौकरी मिल गई। बहुत अच्छा हुआ शंकर, बहुत दिनों के बाद नौकरी मिली। हाँ, तुमसे एक काम था। बोलो बोलो। मुझे औजार खरीदने, तुम मुझे 70 रुपए उधार दे सकते हो? अरे रुपया तुमसे प्यारा नहीं शंकर, पर अभी अभी तुम्हारे जैसे एक दोस्त 150 रुपए ले गए, 5 मिनट पहले आते तो तुम्हारा काम बन जाता। कोई बात नहीं किशन भैया, मेरी भाग खराब है। मुझे तुम पर भरोसा है शंकर कि ये कर्ज तुम 1 महीने के अंदर चुका दोगे, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा? तुम जानते हो ना, कल्लू 50 रुपए ले गया था और दूसरे दिन ही मर गया बेचारा। अब मैं किससे वसूल करूं? और कोई काम हो तो कहो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 75 रुपए मांगता हूं। देखो भाई, ये पेड़ी है, यहां बगैर लेन देन के कोई काम नहीं चलता। लेने की बात तो तुमने कर ही दी, पर देने का भी ख्याल करो। नी जी, मैं आपका कर्जा और ब्याज हमेशा चुकाता रहा हूँ, इस दफे जो वाजबी ब्याज लेंगे वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ब्याज तो ले ही लूंगा, पर लू किस चीज पर? इस दफे मेरी जबान पर भरोसा रख लो। या जबान पर नहीं, सामान पे भरोसा किया जाता है। सेठ जी सामान तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं। ये क्या रखा है, लाइए अभी पैसे दे देता हूँ। मगर ये पीतल है और ये कांच है, चलेगा? या बगैर साज के कुछ नहीं चलेगा, समझे? तो फिर मैं निराश होकर जाऊं। निराश होकर क्यों जाते हो, आखिर ग्राहक तो हमारे, पापड़ खा के जाओ। नी आए जवानी, जाए जवानी, जाकर फिर ना आए, अरे जाकर फिर ना आए। चिड़ियों ने चुग लिया खेत तो जाट कड़ा पचताए। जवानी मस्तानी है, जवानी मस्तानी है, पग पग ठोकर खाए बाद ना आए। आए रे आए जदारी भैया। कौन है भाई? मैं हूं शंकर। ओ शंकर, आजा 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 भाई, बाहर क्यों खड़ा है? हाँ अंदर आ। अरे मैं वो जरा बुढ़ापे का मुंह काला कर रहा था। कैसे आना हुआ? गिरधारी भैया नौकरी मिल गई मुझे 7 रुपए रोज।
बहुत अच्छे, मुबारक हो। 7 रुपए उसकी नौकरी बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन गिरधारी भाई, औजारों के लिए 70 रुपए की जरूरत थी, वो कहीं से मिले नहीं, और अगर 70 रुपए नहीं मिले तो कल नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी 70 रुपए भाई, जान दो गिरधारी भाई, वो बात तो कोई नहीं। तेरा भी जवाब नहीं भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ 70 रुपए तुम्हें निकाल कर कहाँ से दूँ। ये तो अच्छा हुआ तू ऐसे मौके पे आ गया, वो चंडी का घर में नहीं है, 70 रुपए चाहिए ना, नौकरी यार गिरने जानी चाहिए। बैठ जा। अरे बैठ, 70 रुपए देता हूँ बाबा। कमाल बात करते तुम, 70 रुपए ही चाहिए ना, अभी मिल जाते हैं। अरे प्यारे, अगर दोस्त ऐसे मौकों पे काम ना आए तो फिर दोस्ती किस बात की, 70 रुपए ही है ना। वो तो अच्छा हुआ कि तू ऐसे मौके पे आया, आज तुम्हारी भाभी घर में नहीं है, वरना 70 रुपए तो क्या, तुम्हें 70 धक्के भी ना मिलते, और वो बड़े आराम से 700-800 गाली देती तुम्हें और घर से बाहर निकाल देती है। पूछ नहीं, ये मेरा ही दम है, उससे गुजर कर रहा हूँ। ये गिरधारी भैया, मैं अरे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, रुपए क्या दर्द में लगे जो इन मुफ्त घरों का बांट रहे हो। मैं तो कर्जा ले रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा। शक्ल देखिए अपनी आईने में, अरे जोरू की कमाई खाने वाला क्या रुपए वापस करेगा। हाँ हाँ, नखरा तो देखो कमलों का। क्यों जी, सब कुछ मिला, गाली मिली, ताने मिले, बेइज्जत होना पड़ा, इससे तो डूब मरता अच्छा था, मौत भी साथ में देती गरीब का। दशहरे के दिन ऐसे अशुभ बातें मत करो। अरे काहे की शुभ अशुभ बातें, कोशिश करना इंसान का धर्म है। और तेरे भगवान का धर्म है उस कोशिश पर पानी फेर देना। तूने क्यों मुझ जैसे कंगाल कर शादी की? पार्वती ने भोलेनाथ से शादी की थी, उनकी दौलत देखकर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अरे क्या कहने तेरे सौभाग्य के, कोई मुझे 10 रुपए तक उधार देने के लिए तैयार नहीं, सब आंखें चुराते हैं गरीबी में। लेकिन बीवी आंखें नहीं चुरा सकती, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भारत तुम, मैं जानता हूँ तूने मेरी मदद की है, तू मेरे लिए नौकरी ले आई, लेकिन लेकिन औजार कहाँ से लाएगी? वो भी आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? मेरे पास एक चीज है, अगर उसे बेच डालो। क्या चीज तेरे पास? मैं जानता हूँ पारो, मैं सब कुछ तो बेच चुका हूँ, अब रखा ही क्या तेरे पास? ये मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? इसमें सोना है, औजार जरूर आ जाएंगे। अरे पागल हो गई है तू, ये तो तेरे सुहाग की निशानी है, तेरा सुहाग मैं बेच दूँ? सिर्फ निशानी, मेरा असली सुहाग तो तुम हो, बेच डालो इसे। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। ये पाप नहीं, भगवान भले पानी में डूब जाए लेकिन उसके सर का फूल संभाल के रखे कहां गिरे थे। और ये सब तो मैं अपने सुहाग के लिए कर रही हूं ना। पारो तू ये छोटा मत करो, राजा हरिश्चंद्र ने अपने बीवी बच्चे को बेचा था, तुम तो सिर्फ गहना बेच रहे हो, और वो भी रोजी कमाने के लिए। तो ला कर, ला उतार दे। मैं कैसे उतारूं? तुमने इसे बांधा था, तुम्हें उतार दो और इसे मेरे गले में बांध दो, ताकि मेरे सुहाग को नजर न लगे।
फिर मैं नई दुल्हन बन गई। भगवान मेरा सुहाग बना रहा है। मखन को देख, मैं अपना औजार लेकर आया। अरे तू वहां क्या कर रही है? तू भी तो आके देख। दिखा दो बाबू, ये सब सामान तूने खरीदा है? नहीं, बेचा है। अब बाबू मैं भी अपने पॉलिश का सामान खरीदूंगा। तू क्या खरीदेगा? नहीं बेचूंगा। अब इस पॉलिश के सामान की क्या जरूरत है? बाबू काम करेगा, हम आराम करेगा। मखन चू आराम हराम है। अब तुझे स्कूल में पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना होगा। नहीं बाबू, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा? देख माँ, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं उल्टी पुल्टी वालों का अफसर बनूंगा। सुना बाबू, अब किसी पॉलिश वाले को फुटपाथ से नहीं उठाऊंगा। अच्छा अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज इस घर में फिर हंसी का मुंह देखा, और दशहरे के शुभ दिन पर कारीगर को उसके खोए हुए औजार मिले। अल्लाह इन्हें तेज कर ले। पहले इसकी पूजा कर लो। अरे तूने ना भगवान समझ रखा है क्या? हाँ, जिस चीज से सुख मिलता वो पूजा के लायक होती है। ऐसे है माँ, तो अपने औजारों की भी पूजा होनी चाहिए। मखनचू, जूता साफ करने के सामान की कोई पूजा करता है? अरे बापू, जूता साफ करके तो मैंने बनियों का हिसाब साफ कर दिया है। चल रख दे कर। Thank you.
तुम लोग आ गए? तू सपना देख रही थी क्या? ठहरो मैं आपसे लाती हूँ। सच में सपना देख रही थी? हाँ। अभी तो तुझे कुछ दे नहीं सकता, बारह कड़की का वक्त है। ये ले, सोना ले ले। ये तो मेरे लिए हीरे मोती से भी ज्यादा है। लेकिन अब तो नौकरी मिल गई है। लो मीठा करना। अच्छा मैं चाल वालों से मिल के आता हूँ। माँ, माँ, रानी मैं आ गया। कहाँ मर गए थे? कब से बैठी हूँ आरती उतारने के लिए? माँ, आरती जाए क्यों थी? उतारने के लिए। अरे देखते नहीं आते ही उतर गई है। ले सोने का झाड़ पकड़। माँ हम सोने का झाड़ ले, कई साल तक चलेगा। फिर उठा लाए वही घास फूस। चार रस्ती असली सोना ले आते तो क्या दिवाला पीट जाता तुम्हारा? अरे दशहरे के दिन मेरा बाप मेरी माँ को 10 तोले सोना दिया करता था, 10 तोले। मगर तुम्हारे जहेज में तो 2 तोले ही डाला था। तो क्या जहेज में जहाज उठाकर दे देता और फिर सोना सूरत देखकर दिया जाता है? हाँ बाबू, सूरत देखकर सोना दिया जाता है, समझे? मैं अपने भोला की शादी में पूरे 50 तोले सोना लूंगी लड़की वालों से। हाँ, 50 क्यों? अगर सूरत दिखाकर ही सोना लेना है तो हम 100 तोला लेंगे। हाँ, सो तो नहीं मिलेगा। अरे चुप रहे, मुझे आरती तो उतारने दे। पहले मेरी आरती उतारो। तू पहले निकल उतार अपनी जाकर। लो मुंह मीठा कर। हाँ, इसकी क्या जरूरत है, मुंह तो तुमने आते ही मीठा कर दिया। अरे लो ना। मैं जाता हूँ। कहाँ चले? आवारागर्दी करने? आवारागर्दी करने नहीं जा रहा, ये देखने जा रहा हूँ कि दोस्तों के यहाँ आरती कैसे उतरती है। माँ, उन्होंने भी आरती चढ़ाई है? हाँ चढ़ाई है, लो। हा? निकले। अरे वाह, आज तो तेरे होठों के धार भी तीखी दिख गए, बड़ी खुश है। चलो सब खुश रहें, मजूर खुश तो सब खुश। क्या वह सू चुप गए क्या? देखो कड़की ससुरी किसी न किसी बहाने फोन लेके ही रहती है। अब कड़की कहा, तुम्हें काम जो मिल गया। काम तो मिल गया पर काम के दाम कहाँ मिले? दाम भी मिल जाएंगे। दाम मिले तो सबसे पहले कपड़े बनवा लेना। अपने लिए कि तेरे लिए? तुम्हारे लिए। इन 12 महीनों में तेरे लिए एक कपड़ा भी नहीं बनवा सका। तो मुझे कौन सा बन सा के किसी की शादी में जाना है? तो अपने शादी को कौन सा युग बीत गया? अरे यही तो दिन है खाने पहनने के, पर अपनी बेकारी तेरे दिल पर गम के आरी चला रही है, मैं सब समझता हूँ। फिर वही ना। रुट गई, बन गई ना मक्खन सिंह। अरे औरत जाती ऐसी रुट गई तो प्यार ताक पर और गुस्सा नाक पर। फिर ऐसी बातें की मैं सचमुच रुट जाऊंगी। तू रुट जाएगी तो मैं तुझे मना भी लूंगा। हाँ मना। अपनी गंजी निकाल दो, इसे भी 2-4 टांके मार दो। अरे क्या टांके लगाएगी इस गंजी में? सुन, गंजे के सिर पर भी 2-4 बाल निकलना है, पर अपनी गंजी तो बिल्कुल ही गंजी है। क्या देख रहे हो? जो देखा नहीं जाता, जब तुझे ब्याह के लाया था तेरे हाथ थे जैसे मक्खन
और अब बर्तन घिस घिस के मन गए मक्खन छू। अब मैं क्यों किसी के बर्तन घिसने लगी? अब तो मैं इस घर की रानी बनूंगी। रानी जरूर तू बनेगी रानी, और बंसी बनेगा राजकुमार। अब मैं सब बूट पॉलिश नहीं करने दूंगा, इसे स्कूल में भर्ती कराऊंगा। ये बनेगा इंजीनियर और मैं बनूंगा इंजीनियर का बाप। क्या सोचने लगी? ये सब मेरे खिलधारी की दया है। और हाँ, कल जब दान मिल जाए तो भगवान को 100 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाना। अरे भगवान को क्यों रिश्वत की आदत डालती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही। कोई श्रद्धा से भगवान की उंगली पकड़ ले तो वो उसकी नैया पार लगा देते हैं। तू पकड़ भगवान की उंगली, मैं तो तेरी उंगली पकड़ूंगा। सच सच तो पकड़ो उंगली। ये ले। उठो। ये ले। सुबह जल्दी काम पे जाना है, चलो सो जाओ। अच्छी बात है। वाह, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने को कहा था, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे बहुत काम है। अरे मखन क्यों, मुझे मालूम है, पहले मुझे सुलाओ फिर काम पर जाओ। क्या बात तुझे, तो क्या देख रहा है? देख लिया बापू। क्या देख लिया? अरे तुझे तो हंसना भी आता है। हाँ? मैं पहले हंसता नहीं था। मैं पिछले साल तो तू शेर की तरह काटने के लिए दौड़ता था। मखनचू। नहीं बापू, अभी तो अच्छा हंसता है, हाई क्लास। हमेशा हंसते ही रहना बापू। देखा कैसी बातें करता है ना बाप का बेटा। और चुपाई का जोड़ा और कुछ भी नहीं तो मिला। काम पे जाने से पहले वो मीठा गला। ये लो। मीठा तो है।
अरे असली मुंह मीठा तब होगा जब बापू को लक्ष्मी के दर्शन होंगे। कहता तो ठीक है। बापू कितना पैसा मिलेगा? 7 रुपए रोज। 7 रुपए रोज? मेरे 7 दिन की पूरी कमाई। इसने समझ क्या रखा मुझे मखनचू? तो फिर बापू पार्टी करनी होगी एकदम हाई क्लास। पार्टी हो जाएगी तो फिर मिला हाथ। मिला हाथ? ये लो खाना, मेरा वक्त पे खा लेना। ए मखनचू, तुझे कल कितना समझाया, अब तू यही खाएगा, तेरा काम पे जाना बंद। बंद? ये कैसे हो सकता है माँ? दोस्त क्या समझेंगे, बाप पैसे वाला हो गया तो बेटा गया काम से। सुनो, आज के दिन इसे काम पे जाने दो, मुझे भी आज नई नौकरानी को काम समझाने के लिए जाना है। अच्छा अच्छा, चले चल काम पर, लेकिन सिर्फ आज के रोज है। चल जा सामान ला। देखो बहुत दिन के बाद काम पे जा रहे हो, किसी से ऊंची नीची बात न करना, तुम्हें मेरी कसम। हाँ बापू, तुम्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। अबे अब गुस्से के दिन गए। चल। क्या बाजार लाए मुन्नी बहन? आलो टमाटर देखे चंदा बेटा। टमाटर रख लियो। अरे काशी, क्या है गंगा बहन? अब क्या होगा इस दुनिया का? क्या हुआ? निगोड़ी लाश शर्म तो जाती रही इस दुनिया से, जोरो खसम को हंस हंस कर देख रही है। भैया खसम को देखकर हंस रही थी, आखिर हमारी भी शादी हुई है। जल जाए ये होठ, कभी 20 बरस में एक दिन भी खसम से हंस करके बात की हो? अरे मुँह क्या देख रही, शाबाश तो शाबाश गंगा बहन, शाबाश। होटो में कीचड़ हो वह हंसी कैसे होगी? क्या मेरे होटो में कीचड़? एक दफा फिर से बोल भला, मैंने किसी का नाम थोड़े ही लिया है। काशी बहन डर गई ना, चल चाय पी कर जाए इस बात पर। शाबाश, चौपाटी में पानी पूरी खाएंगे, मैं तुझे लेने आऊंगा। अरे दे दे उठो। बापू ये किसकी तस्वीर है? क्या ये भी कोई कारीगर है? अरे बहुत बड़े कारीगर, जिन्होंने हिंदुस्तान की बिगड़ी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। ओ नेताजी, जय हिंद, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा, कौम पर लुटाए जा, कौम। ए भाई कहाँ जाती हो? मतलब मानी, तुम यहाँ काम करती हो? चलो तुमको इंस्पेक्टर साहब ने ऊपर बुलाया। क्यों? यहाँ चोरी हुई है। लेकिन मैंने तो चोरी नहीं। फिर भी तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आओ आओ चलो। हाँ तो सेठ जी सुन लीजिए, 2 लॉकेट जी, 5 अंगूठी हीरों के नग वाली, 1 हीरों का हार, 1 मंगलसूत्र, 6 झूमर और 12 बाजूबंद, जिनकी कुल कीमत आपने अंदाजन 1,10,000 रुपया लिखवाई है, ठीक है ना? जी हाँ। कोई चीज रह तो नहीं गई? याद कर लीजिए। हाँ मेरी सोने की खड़ी, रोलेक्स ऑटोमेट। रोलेक्स ऑटोमेट, कीमत 2,500 की होगी। आपके घर में इन नौकरों के सिवा और कोई तो नौकर नहीं? अब यह औरत चुपके से मकान में घुस रही थी, मैं उसे पकड़ लाया। सेठानी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सेठानी जी घबराओ मत पारो। कौन हो तुम? ये हमारी नौकरानी है पार्वती, इससे हमारा पूरा भरोसा है। आपको अपने सब नौकरों पर पूरा पूरा भरोसा है, आखिर शक किस पर है? हमें अपने किसी नौकर पे शक नहीं। इंस्पेक्टर साहब मुझे ये किसी घर के नौकर का काम नहीं मालूम होता। तुम लोग जा सकते हो। आपको इनसे और कुछ पूछना है? जी नहीं। हमें फिक्र करवाने की जरूरत नहीं, तू अंदर जा, आलोक को पूरी कोशिश कर। एक बात पूछूं सेठ जी? फरमाइए। अरे तू यहाँ क्यों खड़े? सेठानी जी आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पुलिस वाला मुझे पकड़ के ले जाता। क्यों पकड़ते? तूने चोरी थोड़ी की है। जा नई नौकरानी को काम समझा दे। अरे चाय कह रहा हूँ, चाय। अरे बंसी से आज चाय की पार्टी कहती, क्या बात है? अबे रहमान, बंसी के बाप को नौकरी मिल गई है, हर कल से बूट पॉलिश करने नहीं आएगा। ए, तो कल से ये इसको हो जाएगा। ए, जा पड़ दूंगा,
स्कूल में पढ़ना कोई बुरी बात है? मैं पढ़ूंगा और छुट्टी के दिन याद है तुम सबको पढ़ाऊंगा। अरे ये बर्तन घसती है कि दिल लगी करती है, देख कितनी मिट्टी लगी हुई है। अब चिल्लाने की जरूरत नहीं, कल से मैं बर्तन मांझने नहीं आऊंगी, मेरे शोहर को नौकरी मिली। अरे कल से नहीं आएगी तो आज तो साफ करके घर, शोहर को नौकरी मिल गई है, हुकूमत मिल गई है, अरे तू नहीं आएगी 50 नौकरी मिल गई। नाम शंकर मोहित है। कल सुबह 7 बजे जल्दी पहुंचना, समझे? शंकर मोहिते। शंकर मोहिते। तो 5 रुपए है ता? ले 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 ले। ले कैसे ले? मैं झूठा कारीगर नहीं हूँ, मेरी तनख्वाह 7 रुपए रोज का, मैं तो बड़े सेठ से कहूंगा जाके। जरा जरा गुप सिंह, गुप सिंह भूल हो गई, ये ना 2 रुपए और कल औजार लेके जल्दी पहुंच जाना, समझे ना? जी औजार मेरे ही हैं। जाइए। सुनो, औजार का ख्याल रखना। शंकर तड़ुंगे। ए, तुम भी जरा सुबह जल्दी आना, समझे? चपट चलना है ना, पार्टी होगी। सुना भाइयों, ये है मेरा बापू। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बापू ये है मेरे दोस्त, बड़े अच्छे हैं, इनमें से कोई चोरी नहीं करता, बीड़ी नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मगर सिनेमा देखते हैं। हाँ तो सिनेमा देखना खराब तो नहीं है। अच्छा बापू, कल से मेरा स्कूल में जाना पक्का है ना? बिल्कुल पक्का। तो मैं ये बक्सा रामू को दे दूं? हाँ दे दे। रामू इधर आ, इसका बाप पिछले साल मर गया था, ये ले रामू, मेरी निशानी याद रखना। हाँ और सुनो भाइयों, इसकी देखभाल तुम लोग जरूर करना, इनमें से कोई ना कोई इसे आधी रोटी दे ही दिया करना। अच्छा रामू, राम 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 राम
जाता कहाँ है? देख ली मेरी विद्या का कमाल। अरे महाराज छोड़ो हाथ। अरे कैसे छोड़ूं भगवान तेरा हाथ। ये हाथ तो मैंने पिछली बार एक राजा का देखा था। अपन तो कारीगर है महाराज। अरे कारीगर हुआ तो क्या हो गया, तू भी राजा हो सकता है। देख ले मेरी विद्या का कमाल। अरे वाह 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 वाह, तुझे तो पुत्र रत्न होने वाला है बेटा। महाराज ये आपकी विद्या की तो नहीं, अपनी कमाल है। बराबर है, ये कमाल तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा। लेकिन तू देख ले अपना भविष्य, ये है मेरी विद्या का कमाल। हो जा निहाल, सवा रुपया निकाल। बेटा सवा रुपए की कितनी भेलपूरी? बापू बहुत आती है भेलपूरी। तो चल वहीं चला। अरे हाँ हाँ, जाना नहीं आगे भगवान, आगे खतरा है। राहु केतु खड़े हैं, मैं बता देता हूँ। बेटा तुझे राहु केतु नजर आ रहे हैं? नहीं बापू, इधर तो पंडित जी खड़े हैं। अरे मैं तो हूँ, तुम्हें नहीं नजर आएगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे दिखते हैं वो। हाँ जाना नहीं भगवान, मेरा भविष्य देख कर जा पहले। महाराज भविष्य अपना इसमें है, अब रास्ता छोड़ दो। अच्छा मर्जी तुम्हारी, जाओगे कहाँ, लटक जाओगे, नहीं तो वापस आओगे मेरी। चल चारा नहीं सही। जान दीजिए बच्चा। अबे जहां तक ये मत बजा, पुलिस आ जाएगी। पुलिस? हाँ बामन हो या जाट, भिकारी हो या हो सम्राट, गवर्नर हो या चाहे लाट, सभी मिल खाए मेरी चाट। है ये चौपाटी की, अरे बड़ी अटपटी बड़ी चटपटी चाट है ये चौपाटी की। तीखा बड़ा मसाला, स्वाद है खट्टा खट्टा, दुबला पतला खाकर इसको बन जाए हट्टा कट्टा, दुबला पतला खाकर इसको बन जाए हट्टा कट्टा। शहर बम्बई बाबा, शहर बम्बई चीज है नहीं, सुनो रे भाई चीज है नहीं। अरे बड़ी अटपटी बड़ी चटपटी चाट है ये चौपाटी की। जी 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 हो जी जी। सर पे पगड़ा पेट है तगड़ा, सर पे पगड़ा पेट है तगड़ा, घर वाली से झगड़ा, अगर मिटाना है तो सेठ जी खाओ मेरा रगड़ा, अगर मिटाना है तो सेठ जी खाओ मेरा रगड़ा। पेट की दवा पेट की दवा, रोग हो हवा पेट हो सफा, रोग हो दफा। अरे बड़ी अटपटी बड़ी चटपटी चाट है ये चौपाटी की। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सब में कराए मेल, बड़ी करामाती है भैया ये बम्बई की भेल। अरे बड़ी करामाती है भैया ये बम्बई की भेल, है गरमा गरमा
गर्मा गर्म एक आधर्म मिटाए भरम है गर्मा गर्म। अरे बड़ी अटपटी बड़ी चटपटी चाट है ये चौपाटी की है। जी 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 हो जी जी। मेरी पानी पूरी जो खाए बदले उसके रंग उड़े दिमाग गगन में उसका जैसे उड़े पतंग। उड़े दिमाग गगन में उसका जैसे उड़े पतंग। दाम वो भूले अरे कमाला भाई। दाम वो भूले काम वो भूले नाम वो भूले काम वो भूले। अरे बड़ी अटपटी बड़ी चटपटी चाट है ये चौपाटी की। आवा हो 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 मन हो या जाट भिखारी हो या हो सम्राट गवर्नर हो या चाहे लाट सभी मिल जाए मेरी जाट है ये चौपाटी की। जी 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 किधर है? थैला? यही तो रखा था बापू मैंने। थैला छोड़ के पतंग लूटने गया था? नहीं बापू यही रखा था। मैं भी ढूंढता हूँ। ये दोनों फुटपाथ पे झगड़ा कर रहे थे। छोरे फुटपाथ पे झगड़ा करते हो तुम? साहब ये थैला मेरा, ये थैला लेकर भाग रहा था। ये थैला मेरा ना कहता हूं। साहब ये मेरा थैला चौपाटी पर चोरी हो चुका था। और ये मेरा थैला है। साहब इसमें इसमें दिखाता नहीं क्या है इसमें? क्यों दिखाऊं? थैलो क्या था तुम्हारा थैला? साहब उसमें औजार थे चौपाटी पर चोरी हो गया था। इसमें तुम्हारे औजार नहीं है। तो फिर क्या है इसमें? इसमें जो कुछ भी है तुमको क्यों दिखाऊं? साहब दिखाता नहीं है, देखिए दिखाओ। लो देख लो। अरे हो गई तसल्ली? माफ करना साहब इसमें तो बोतल है। तुम्हारे औजार तो नहीं? अच्छा साहब मैं चलता हूँ। हेलो क्यों साहब? काय की बोतल है ये? दवा है उसमें। दवा दिखाओ। लीजिए देख लीजिए। इसे खोलिए मत, खोलने से खराब हो जाएगी। ऐसा? ओह हवलदार इसे ले जाकर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम दारू बेचते हो। कौन दारू बेचता है? मैं तो दारू पीता हूँ और उसके लिए परमिट रखता हूँ। परमिट? फिर भी इसे बंद कर दो। क्यों साहब? क्योंकि तुम्हारे पास विस्की का परमिट है और ये ठहरा। लेकिन ये दोनों एक हैं, विस्की और ठहरे में क्या फर्क पड़ता है? दोनों दारू हैं। रुको मत, ले जाओ इसे। लेकिन हवलदार साहब ये जुल्म है, देखिए मेरे पास परमिट है और आप। तुम जा सकते हो। मेरे औजारों को क्या होगा सरकार? ये बंसी पतंग लूटने चला गया और उस वक्त चौपाटी पर किसी ने मेरे औजार चोरी कर लिए साहब। हाँ साहब मैं पतंग लूट रहा था, थैला वहीं छोड़ गया, थैला गायब हो गया। घबराने की कोई बात नहीं,
बाहर जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो, हम तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेंगे। साहब अगर हवलदार नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी, बड़े दिनों के बाद मुझे नौकरी मिली। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं हवलदार, इन्हें ले जाकर चोर बाजार में इनके माल की तलाशी करो, हो सकता है तुम्हारे औजार वहीं मिले। चलो जाओ। अच्छा सर, चल बंसी। से बोल रहा था तू जरूर लौट कर आएगा। लौट कर नहीं महाराज, लुट के आया हूँ। अरे लुट कर नहीं आएगा तो क्या, मैं जानता था तू जरूर आएगा, तेरी किस्मत ही खोटी है। अरे निकाल सवा रुपया, अभी मैं उसे सीधी कर देता हूँ। अरे चुप रह तू, निकाल निकाल। देखो महाराज, मेरे औजार चोरी हो गए। अरे होंगे नहीं तो क्या, अरे तेरी चोरी होनी चाहिए। तेरा राहू देखो ना कैसा सप्तम में आके पड़ा हुआ है। अभी मैं कुछ नहीं बताता, ये राम चिड़िया तुझे बताएगी। हाँ चलो बेटा, आओ आओ, बता दो बेचारे की किस्मत गिरी। हाँ चल ले 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 ले। हाँ चल चल चल, ये है तेरी किस्मत। हाँ ये ले पढ़ ले। पढ़ तो लूंगा लेकिन बड़ी देर लगेगी, तुम पढ़ दोगे? कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, तेरे हाथ लग गए काफी है। हाँ, प्रश्नाची फल दुपट लाभ से मनोरथ पूर्ण हुई, चिंतनी वस्तु प्राप्त हुई, दुश्मनाची खराबी हुई तुझे परे हुई, एका मनुष्या पासून चिंतनी वस्तु प्राप्त हुई, याची खून तुझे बुझे और चीर से। तेरे भूज पर तील है? भूज? अरे हाँ तेरे कंधे पर। हाँ बाबू तेरे कंधे पर तील है ना? वो का मारे, लेकिन औजार का क्या, औजार मिलेंगे ना? अरे जरूर मिलेंगे, चोर अभी पूरब को 40 कदम जाकर पश्चिम को लौटा। महाराज यानी हाँ। वो चौपाटी से जाकर रास्ता पार करके अस्पताल के पास खड़ा है। हाँ। पश्चिम नाम है आगे। अब वो दक्षिण से पार होकर उत्तर की तरफ जा रहा है। बापू उत्तर तो हमारे घर को जाता है ना? और पश्चिम में खड़ा था और दक्षिण से निकल रहा है। हाँ। यानी वो अरे तू चारों ओर खोज ले, जरूर मिल जाएगा। समझ नहीं आया महाराज, कोई नक्की जगह बता दो ना भाई। ये तुम्हारा दूसरा सवाल है, इसका सवाल रुपया निकालो, मैं फिर बताता हूँ। अरे निकालो तो। बस 1 ही रुपए है महाराज, अब रहने दो, अभी मर्जी तेरी। लेकिन देख राहू का ये फेरा है, चोरी चोरी लिखी हुई है। हाँ जान खतरे में है महाराज, चोरी हो, मर्जी तेरी, जान खतरे में, सुन ले मेरी बात। क्यों पारुबे, शंकर दादा अभी तक नहीं है? पता नहीं इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने। चाची बंशी अभी तो गए नहीं? बंसी के साथ सारा झगड़ा करता है और बंसी के बगैर चैन नहीं आता। मैंने झगड़ा करना मैं करवा के। अच्छा बाबा या मगर मत पूछिए के
कैसा शबाब आया। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह। नजर भर रमा तकाब न जाए, नजर भर रमा तकाब न जाए। घुंघटवा जो खोले कर जुआ हिलाए, घुंघटवा जो खोले कर जुआ हिलाए। नजर भर रमा तकाब न जाए, नजर भर रमा। अब रह गया कोई जवाब उनका। क्या जवाब है कि अब तो सामना करता नहीं है आफताब उनका। अयो गनीमत है कि पर्दे से वो बाहर कम निकलते हैं, निकलते हैं तो उस दिन आशिकों के दम निकलते हैं। अरे तू बोले आप जी। नजर भर रमा तका भी न जाए, नजर भर रमा तका भी न जाए। ये तबला तो अच्छा बजाता है यार। हंसी होठों पे आंखों में शरारत हमने देखी है। सुभान अल्लाह क्या शेर है। कयामत की कसम जिंदा कयामत हमने देखी है। अरे क्या कयामत है। जमी के रहने वालों के तो दिल अक्सर रुके होंगे, फरिश्तों ने जो देखा है तो फिर वो भी झुके होंगे। अरे बाबा के भाई मारून टक ले रे बाबा। नजर भर रमा तका भी न जाए, नजर भर रमा तका भी न जाए। घुंघटवा जो खोले कर जुआ हिलाए, घुंघटवा जो खोले जुआ हिलाए। नजर भर रमा तका भी न जाए, नजर भर रमा। ए बच्चों यहाँ क्या हो रहा है। बापू ऊपर गया। बापू ऊपर गया। बापू ऊपर गया। तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो। वो जो अम्मा इन सबसे कह दो मैं अब नहीं नाचूंगी। नहीं नहीं ये बात नहीं। इन सबको जाने दो फिर बात करेंगे। क्या बात। सुना आपने अब मुमताज नहीं नाचेगी। आप कल तशरीफ ले आइए। बरे बुआ उदे आये हूँ। कल तो मुमताज नाचेगी ना। अरे मुमताज नहीं नाचे तो मुमताज की माँ तो नाचते। अरे चाल बाबा चाल। अरे वो नहीं आओ। अरे वो नहीं आओ। अरे चाल ले बाबा। नहीं आओ रे अरे साईजी बाबा साईजी। सुनो मैंने तुम्हारे लिए इन सब की छुट्टी कर दी है। अब जरा आराम से बैठो ना। आराम कहाँ से लूँ। तुम कुछ परेशान नजर आते हो क्या बात है। हाँ मेरा कुछ खो गया है बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। अब तो मिल गया है ना।
वो जो थैला है ना उसमें उसमें ओह अम्मा जरा अच्छे पान तो बनाना। हाँ हाँ बनाती हूँ बेटी। नहीं नहीं पान मैं नहीं खाता हूँ। शेर जी जरा वो थैला तो दीजिए। हाँ अभी देता हूँ। ये लो। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, देखो ना मेरी तरफ। जरा ठहरो। पान? हाँ हाँ पान खाइएगा ना। नीचे एक दुकान है वो अच्छी तंबाकू मिलती है, मैं ले आता हूँ। मैं मंगवा दूँ? नहीं मैं खुद ही ले आता हूँ। सुनिए तो कहाँ है थैला? नहीं है थैला? नहीं। उठता है कि नहीं? उठता हूँ उठता हूँ उठता हूँ। देश बदल कर आएगा तो मैं पचानेगा नहीं। तुम हम एक ही धंधे वाले। काय का धंधा? देता हूँ चलो देता हूँ। ये लो 20 रुपए आपसे, छोड़ दो मुझे। अरे मुझे रुपया नहीं चाहिए, थैला चाहिए। थैला? थैला नहीं देगा। चल थाने। देता हूँ देता हूँ। किसी का बजा रहा थैला देता है कि नहीं? नहीं देता। थैला दे देगा? नहीं देता। चल भाग यहाँ से। थैला है उसके पास। चल चल कोई थैला वाला नहीं है। थैला नहीं मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। चल बापू भाग चल, तुझे लगी तो नहीं? अरे जान बच गई रे, चल भाग चल। खेला पड़ा है। अरे इसके अंदर तो रुपए और झूठ सच्चे के कागज भी है। फेंक दे इसे, पुलिस पकड़ लेगी। चल चल भाग। शायद मेरा थैला अंदर चला गया है, मैं अंदर जाके देख सकता हूँ। ओ कॉम्पिटिटर, गो इन गो इन। मैं अंदर जाऊँ? राइट। चल सॉरी चिल्ड्रन नॉट अलाउड। ओ ये भी तो नहीं जा सकता, तू यहाँ खड़ा मेरे साथ।
रे बेबी नाम जानी है दिल का गुलाम। मैं हूँ रवि, मैं हूँ मेरी, मैं हूँ शेरी। बेबी रे बेबी नाम से क्या काम, जानी है दिल का गुलाम। भोली दिल की मगर भोली समझो है काम तमाम। मैं हूँ रोजी, मैं हूँ मेरी, मैं हूँ शेरी, डाली मेरा नाम। अरे बेबी रे बेबी नाम से क्या काम, जानी है दिल का गुलाम। नखरा है तीखा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। असली छुपाए जो नकली दिखाए, जो ऐसे को मेरा सलाम। मैं हूँ रवि, मैं हूँ मेरी, मैं हूँ शेरी, डाली मेरा नाम। अरे बेबी रे बेबी नाम से क्या काम, जानी है दिल का गुलाम। हिंदी बोलो साहब। अरे तुम अच्छी तरह गाए को नहीं नाचता है, सब लोग का डांस खराब करता है। आप सब लोग नाचता उछलता, हम यहाँ नाचने आया, हम हमारा थैली देखने को आया। थैली देखने को आया? हाँ जी हाँ, उसमें हमारा औजार रखा है। औजार? क्या औजार रखा है? हम सुता रहे हैं, हमारे सब औजार खो गए, हम देखने आया, हम देखेगा थैली में क्या है। ठहरो ठहरो, तुम असली सुतारे के नकली सुतारे? साहब छोड़ो, हम असली है, आप लोग नकली है। मुझे दिखाओ साहब उसमें क्या। लॉरेंस ओपन द लैब, जंगली सी वो तेरे। जंगली तो आप लोग हैं मैम साहब, एक खामोखा किसी की पगड़ी उछाल दी, वो तो लड़की थी, नहीं तो न जाने में क्या कर देता। दिखाओ दिखाओ। देखो मैं जाओ इधर से, ये सुतार का सामान नहीं है। मैं मिला बापू? अरे नहीं मिला, चल चलो गिराओ। एवरीबॉडी डाउन। अब क्या होगा बापू? होगा क्या, इससे बुरा होता है। बैठ थक जाओ, घर जाना तेरी माँ भी सोच रही होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ बापू। छोड़ना इस बात को। लेकिन तेरे औजार चले गए तो कल तेरी नौकरी भी चली जाएगी। अरे नौकरी तो गई अब। और मेरा बक्सा भी चला गया। अरे तूने बक्सा दे दिया? मैं तूने तो कहा था। तेरी मुसीबत आती सब एक साथ आती है। बीड़ी बीड़ी भी क्या कर रहा? ड्रेन के अंदर हाथ डाल दिया उसने।
जवाब मिला तो ठरे। ले चलो इसे थाने। साहब थाने क्यों साहब, मैं चोर नहीं, मैं तो आप लोगों को देखकर ठहर गया। फिर इतनी रात गया भाग क्यों रहे थे? सब भाग इसलिए रहा था कि ये मेरा थैला शाम को चोरी हो गया था, मैं अब तक ढूंढ रहा था, मुझे चोर मिला, मैंने उससे थैला छीना तो वो मुझसे फिर से छीन लेना चाहता था। इसलिए चोर चोरी करके थैला लेके भागा और तुम चोर का माल चोरी करके भाग रहे थे। हर ये कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं साहब, ये मेरा थैला है, मैं कारीगर हूँ। क्या है इसमें? इसमें मेरे औजार है, देख लीजिए साहब। दिखाओ क्या क्या औजार है। पेचकस है, रंधा है, आरा है। ये पेचकस है? ये क्या है? तो गहने साहब ये मेरा नहीं साहब। ये तेरा नहीं? अभी कह रहा था कि ये मेरा है, फिर किसका है ये? तो मुझे मैं नहीं मालूम साहब, आप ले जाइए इसे। लगा से हाथ करके और ले चलो। आप मुझे क्यों हाथ के लगा रहे हो? अरे बंसी जल्दी धरा, जल्दी धरा साहब। चुप रहो, चलो। कौन है? डर डर आता हूँ। कौन है इस वक्त? भारत तुम खा रही तो है ना, रो रही है। शंकर से झगड़ा हुआ क्या? अब मगर बताओ तो सही, बात क्या है? बात तो बता। ओ अच्छा अच्छा
आओ आओ अंदर आओ, घबराओ नहीं, आ जाओ आ जाओ। भोले की माँ सो रही है। आ सो नहीं रही हूँ, जाग रही हूँ। खबरदार, जो इस घर में फिर से पांव रखा तो टांग तोड़ दूंगी। मगर बात तो सुनो भोले की माँ, तुम भोले की माँ इतनी भोली नहीं है जो ये बातें ना समझ सके। उस मुँह सेठ जी का दीवाना निकला है जो यहाँ हमारी है। ये क्या कहती हो गंगा बहन, मैं तो गिरधारी भैया को बुलाना आई थी। अरे वो तो मैं जानती थी कि तू एक दिन जरूर आएगी। मैं तेरे मतलब का भजन खूब समझती हूँ। आ गिरधारी, ओ मेरे प्यारे गिरधारी, मुझे अपने पास बुला गिरधारी। मुझे अरे ओ भाग्यवान, ये तू भी तो अपना भजन बंद कर, उस बेचारी को कुछ बोलने भी तो दे। अरे वो क्या मेरे सामने बोलेगी। अरे मैं कहती हूँ शंकर के मर जाने के बाद किसी के घर डाका डाल। गंगा बहन ऐसा मत कहो, मेरे मन में पहले से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। सुनो बेशरम, अपने मुंह से कह रही है कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। बाबा तू बोलना बंद करेगी या नहीं, कम से कम उसे कहने तो दे, वो कहना क्या चाहती है। क्या बात है पारो, बोलो। गिरधारी भैया, बंसी अभी तक घर नहीं आया और उसका बापू भी अभी तक नहीं लौटे। अच्छा, बंसी का बापू घर नहीं आया इसलिए भोले के बापू को लेने आई है। तो वो चुप रहना, क्या वो दोनों नहीं आए। नहीं भैया, आज बहुत दिन के बाद काम पर गए और अभी तक नहीं आए। अरे वारी वाह, नाटक रचाना तो खूब जानती है। किसी फिल्म कंपनी में नौकरी कर ले, पैसा कमाएगी पैसा। बकवास बंद कर, नहीं तो ठुकर मार दूंगा। हाय हाय, तो इस जादूगरनी ने गीदड़ को शेर बना दिया। नहीं, सोए हुए शेर को जगा दिया है, समझी। पारो बहन, मैं भी उनको ढूंढ कर लाता हूँ। मैं भी उनको ढूंढ कर लाता हूँ, और तुमको ढूंढने कौन जाएगा। चलो चुपचाप सो जाओ उस चटाई पर। हाँ कह देती हूँ, रेट कह देती हूँ कि बच्ची शर्म नहीं आती कमीनी, याद रख अपनी पसली ये कर दूंगा। उस बेचारी का थोड़ा खतरे में, तू बकबक किए जा रही है। चल हट पीछे से। पारो बहन, मैं बंबई का कोना कोना थान मारूंगा, उनको ढूंढ कर लाऊंगा, घबराओ नहीं। गिरधारी मामा, गिरधारी मामा। अरे बंसी, क्या हुआ बंसी? बापू को छुड़ाने चले, चल चल। क्या हुआ, क्या? उसे पुलिस पकड़ ले गई। पुलिस ले गई? वो जाओ बंसी, गिरधारी भैया। दुनिया ने चोर कर दी, क्या वो कभी चोरी कर सकते हैं? इस कारीगर के, इस मजदूर के हक कभी चोरी कर सकते हैं? कहते हैं कि तू इस झूठे की पुकार सुन सकता है, फिर मेरी आवाज तेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंचती? बोल बोल गिरधारी, मेरी जन्म जन्म की पूजा, मेरी जन्म जन्म की भक्ति आज तेरे द्वारा भीख मांगने आई है। अगर तुम इसे ठुकरा दोगे तो फिर तुम पर कौन विश्वास करेगा? तेरे वेद, तेरे शास्त्र पुराण, तेरा सारा संसार झूठा हो जाएगा। बोल कुछ तो बोल गिरधारी। नहीं बोलता, कभी सुन, मैंने तुझ में और अपने पति में कोई फर्क नहीं रखा। अगर मेरा पति चोर है तो फिर तू भी चोर है। अगर वो बदनामी के समंदर में डूब जाएगी तो फिर तू भी आराम से नहीं बैठ सकता। उठो, उठो इसे। जब तक मेरे भगवान इज्जत के साथ वापस नहीं आएंगे तब तक तुम भी पड़े रहो इस ठंडे पानी में। अरे वो तो ठीक है, मगर तुमने चोर को क्यों जाने दिया? चोर को पकड़ लेते तो सब मामला ठीक हो जाता। गिरधारी मामा, तू आगे जा, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जाता है तू? जा, अभी मैं आता हूँ। ये जेवरात तो सब मेरे ही हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी गायब हैं। एक तो मेरी सोने की घड़ी जी, रोलेक्स ऑटोमेटिक, और दूसरे सेठानी का मंगलसूत्र और 500 रुपए के नोट। सर, नोटों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो खा पी गया होगा, मगर मंगलसूत्र और घड़ी जरूर मिल जाएगी, चोर पकड़ा गया। नहीं बताएगा तो हम प्यारो मोहब्बत से पूछ लेंगे। लेकिन वो आदमी करता क्या है, सिर्फ चोरी? वो बहुत होशियार आदमी है, अपने आप को कारीगर कहता है, और वो ये भी कहता है कि मैं आपके यहाँ नौकर हूँ। हमारे यहाँ? जी हाँ। जरा देखो तो। हाँ चलिए। अच्छा, तो ये है वो आदमी।
सेठ साहब, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ा कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। ये लोग मुझे चोर समझते, सेठ साहब मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने जेवरों की शिनाख्त करने आया हूँ। आप किस जेवर थे? हाँ, सब मिल गए, लेकिन दो चीजें नहीं मिली। कहाँ है वो सोने की घड़ी और मंगलसूत्र? आप समझते हैं कि मैंने चोरी की सेठ साहब? मैं चोर नहीं हूँ सेठ साहब, मैं सच कहता हूँ मैं चोर नहीं हूँ। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, जो है तुम्हें माल लेकर भागते हो पकड़ा। वो तो सेठ साहब, मेरा वो औजार का थैला था, वो चोरी हो गया, तो मैंने जिस आदमी को बता कहाँ है वो मंगलसूत्र सोने की घड़ी? सेठ साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं आपके चोरी कैसे कर सकता हूँ? आप मेरा अन्नदाता सेठ साहब, मैं आपके कैसे चोरी कर सकता हूँ? तो क्या ये आदमी सचमुच आपके यहाँ काम करता है? मैंने कल ही से कारखाने में नौकरी दी, लेकिन इसकी बीवी हमारे घर में बर्तन मांजती है। अच्छा, तो इसकी बीवी आपके यहाँ बर्तन साफ करती है? जी, भूखा मरा, मैंने इसे रोटी दी, रोजगार दिया, अच्छा बदला चुकाया तुमने मेरे एहसान का। ऐसा ना कहिए सेठ साहब, मैं गरीब हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा सेठ साहब। तुम्हारा बर्बाद होना ही ठीक है। मैं समझता था गरीब लोग नेक और ईमानदार होते हैं, लेकिन तूने ये साबित कर दिया कि वो बेईमान और जलील होते हैं। तुम्हारे लिए यही जगह अच्छी है, चलिए सेठ साहब। सेठ साहब, सेठ साहब सुनिए, चोरी का तो सोच भी नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, इसको छोड़ दीजिए ना। इसको जो अपनी आंखों से हमने देखा है वो झूठ है। इस आदमी के पास चोरी का माल था और ये भाग रहा था, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। गलत हो गया गिरफ्तारी भैया, वो तो मैं अपने औजार के पीछे भाग रहा था, थैले में औजार था लेकिन उसमें गहने निकला है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया, वो कोई दूसरा थैला दे गया था ना तुमको, उसमें आप असली चोर को पकड़िए। इंस्पेक्टर साहब, इसको छोड़ दीजिए। हाँ भाई, खोलो खोलो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें असली चोर को ही पकड़ना चाहिए। 360। मैं कहता था ना इंस्पेक्टर साहब, देखो धर्म सिंह चाल लोर परेल जाओ, रूम नंबर 13 में से पार्वती नामी औरत को ले आओ। पारो बहन को क्यों ला रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पहले इसको पकड़ लिया, पारो को आपकी तबीयत तो ठीक है ना? समझ, हमें पूरा यकीन है कि ये चोरी पार्वती ने की, उसी ने सेठ के यहाँ बर्तन साफ करते करते उसकी तिजोरी भी साफ की, और वही माल ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने आदमी को दे दिया, वही माल लेकर ये आदमी भाग रहा था। क्या ये झूठ है? ये गलत है। 360, जाओ उसको पकड़ के लाओ। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ के ले आओ। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उसे मत ले आइए, उसे मत लाइए यहाँ, क्योंकि उसे कुछ नहीं मालूम, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि चोरी मैंने की। इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी की, उसे मत लाइए यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, तुम चुप रहो गिरधारी भैया, मैं कबूल करता हूँ मैंने चोरी की। इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूँ मैंने चोरी की। देखा तुमने, बगैर प्यार मोहब्बत के ही मान गया ना, अब तुम आए थे सिफारिश करने। इंस्पेक्टर साहब, आप इतना भी नहीं पहचानते कि एक भला आदमी अपने घर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? नहीं गिरधारी भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम तो जानते हो मैं कितने दिनों से बेकार हूँ, बेकारी से तंग आकर मैंने चोरी की। ये लोग खामोखा पारों को पकड़ रहे हैं, चोरी मैंने की है, चोरी मैंने की। शंकर, चुप रहो, चुप रहो। क्या बकवास कर रहा है, जानता है इसका नतीजा क्या होगा? जेल हो जाएगी तुझे। वो बुलाते हैं पारो बहन को, तो बुलाने दो, खा जाएंगे पारो को वो। नहीं नहीं गिरधारी भैया, वो लोग पारो को जेल में डाल देंगे, हम लोग कोई यकीन नहीं करेगा। गिरधारी भैया, हम लोग तो मजदूर है, चोर है, बेईमान है, हम लोग कोई नहीं सोचता है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, झूठ। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। अब तो हर सूरत में पार्वती को यहाँ बुलाना पड़ेगा, ये दरअसल अपनी बीवी का कसूर अपने सर ले रहा है। अब हमें पूरा यकीन हो गया है
कि असली चोर वही है। छोड़ दो इसे। बंसी, इंस्पेक्टर साहब यही वो आदमी, इसी के पास से मैंने थाला छीना था इंस्पेक्टर साहब। क्या बोलता है साहब, मैं इस आदमी को भी नहीं देखा। अबे झूठा बकरे, सच बोल। छोड़ो, कौन हो तुम? एक आदमी। वो तो मैं भी जानता हूँ कि तुम आदमी हो। कहाँ से आए हो? एक मंदिर में छुप सो रहा था साहब, ये लड़के पकड़ लाए। और वो जो थैला उस आदमी के हाथ में था वो किसका था? वो थैला मेरा नहीं है साहब, वो थैला उसी का है साहब। किसका? मैं नहीं जानता साहब। और ये घड़ी किसकी है? ये घड़ी मेरी है। तुम्हारी? कहाँ से ली? बाजार से। वो तो मैं भी जानता हूँ बाजार से ली है। कितने में ली? यही 200-250 रुपए के साहब। कौन सा मेक है? वेस्टर्न। वेस्टर्न? इंस्पेक्टर साहब, इसकी ये घड़ी उतार लीजिए और हथकड़ी डाल दीजिए। ये तो रोलेक्स है, 2500 रुपए की, और तुम कहते 250 रुपए की। हवालदार, इसकी तलाशी लो। हवालदार भाई, जरा संभाल के करना, बड़ा खतरनाक आदमी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसका गला भी दबा दिया। छोड़ो छोड़ो, बहुत खतरनाक देखे ऐसे। हवालदार जी, इसकी जेब में देखो मंगलसूत्र है। कुछ नहीं साहब मेरे पास। चुप रहो। कब ये चाकू? कुछ नहीं साहब मेरे पास, कुछ नहीं। खामोश। कब ये रहे रुपये? रुपये? और ये रहा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र और रोलेक्स की घड़ी, बाकी ये चोर है। हवालदार जी, इसको हथकड़ी लगाओ और उस भले आदमी को छोड़ दो। हाँ शंकरा, ये लीजिए घड़ी और मंगलसूत्र, इसका भी पंचनामा कर लीजिए। शाबाश बेटा, आज तुमने अपने बाप की नहीं बल्कि कानून की इज्जत बचाई। पारो बहन। भाई, तुम आ गए। पुलिस ने मुझे हवालात में बंद कर दिया था पारो। ये सब क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अपनी किस्मत बिगड़ी पारो, मैं मजबूर हूं। मैं हवालात में तुम पे क्या गुजरी होगी, पुलिस वालों ने जलील किया होगा। इतने दिनों बाद नौकरी मिली और आज ही सब मुसीबत। पारो पारो, वो नौकरी गई। अब नौकरी गई कैसे? मेरे औजार का थैला चोरी हो गया था। थैला मिला तो उसमें बहुत सारे गहने थे। पुलिस मुझे हवालात में ले गई और वो गहने अपने सेठ के थे। सेठ के गहने? पारो, सेठ हवालात में आए, मुझे बुरा भला कहा, चोर कहा और चले गए। तो क्या वो तुम्हें चोर समझते हैं? चोर तो पकड़ा गया पारो, लेकिन अपन तो बदनाम हो गए ना, अब कौन नौकरी देगा? अब क्या करेंगे, लोगों को कैसे वोट दिखाएंगे? तूने ठीक कहा पारो, सुन, सुबह होने से पहले यहाँ से निकल चले। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे पारो, झाड़ के नीचे रहेंगे, मगर यहाँ नहीं रहने का। जो कुछ बटोरना बटोर ले चल। जो कुछ बटोरना बटोर ले चल। अबे 6 फुट का जवान और इतना छोटा दिल, मैं पूछता हूँ नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। औजार गए तो नए आ जाएंगे, सेठ गया कोई और। ये बात नहीं गिरधारी भैया, इतनी काफी बदनामी हो चुकी। अरे बदनामी किस बात की, बदनामी से क्यों डरता है? क्या लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि चोरी तूने नहीं की? अबे डरना है तो दुनिया से नहीं, भगवान से डर, कुछ भला भी हो तेरा। भगवान मुझे माफ कर दो। शंकर, सेठानी जी, सेठानी जी, हमको सब पता चला, पारो असली चोर पकड़ा गया। शंकर, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें गलत समझा और खामखा दलील किया। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। मेरी तकदीर खराब है सेठ साहब, आप बड़े लोग हैं, शर्मिंदा हूँ ककर टाल जाते हैं, हम छोटे लोगों को भुगतना पड़ता। ऐसा न कहो शंकर, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें धोखे में भला बुरा कहा, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि असली चोर पकड़ा गया तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे माफ कर दो शंकर। कर दो शंकर, ये इनाम लो। जी इनाम की कोई जरूरत नहीं सेठ साहब, आपका शक दूर हो गया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे गहने मिल गए, इसलिए इनाम दे रहा हूँ। नहीं नहीं सेठ साहब, नहीं। पारो, कहते ना इनसे ये लेने के लिए। नहीं सेठानी जी, वो ठीक कह रहे हैं, यही है ना तेरा बंसी? हाँ सेठानी जी, इधर दीजिए। बंसी सेठानी जी,
इसे रहने दे। बारो बहन क्या कह रही है, इसे रहने दे, इसे रहने दे। तुम बच्चों की बातों के बीच में मत बोल, चोर तो असली इसी ने पकड़ा है। माँ जी भैया तुम चुप रहो जी। माँ जी दे दीजिए, ले ले ले। हाँ शंकर कल कारखाने में जरूर मिलना। फारूक सुबह बंगले पे आ जाना। अच्छा चलो जी, सेठ जी को छोड़ो। पारो बहन तेरे घर को तो भगवान ने ठीक कर दिया है, और बाकी रहा मेरा घर, उसको उसको मैं खुद ही ठीक करता हूँ। तुमने नींद आ रही है। वो जूते साफ करने वाला मेरे लाल के बराबरी करे, चुड़ैल कही, चुड़ैल 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 चुड़ैल। वाह वाह वाह, सपने में भी राम भजन हो रहा है। ए श्रीमती जी, ए श्रीमती जी उठो, मैं आ गया हूँ। आ गया तो क्या करूँ, आरती उतारो तुम्हारी झाड़ू से। उठाओ वो तकिया और जाकर सो जाओ चटाई पर चुपचाप। ए मेम साहब, आज से चटाई पर तू और चारपाई पर मैं सोया करूंगा, मैं इस घर का मालिक हूँ। अरे कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते हो, कहीं भेजा तो नहीं फिर गया तुम्हारा? तेरा हुआ भेजा ठीक हो गया है, सीधी तरह से उठती हो नहीं तो याद रखो। हाँ राम, कहीं उस चुड़ैल पारो ने जादू तो नहीं कर दिया तुम पर? क्या बकती हो, खबरदार किसी को गाली दी तो। हाँ दैया, भस्म कर दूंगी, जला डालूंगी, मार डालूंगी। मेरी बेइज्जती मत करो, मैं देवी हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। देवी देवी देवी, मैं पूजा करता हूँ तुम्हारी, जरा ठहर जाओ, मैं भी अपने देवता को ले आऊँ, ले आऊँ अपने देवता को। मेरी पूजा करो। जय बजरंग। देवी ने तुमको क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। देवी देवी ने क्षमा कर दी। तुम आ जाओ, तुम चार पैसे सो जाओ, सो जाओ। देवी चली, देवी चली। देवी कहाँ जाती है, यही खड़ी रहे देवी। उतार टोपी है, चल उतार, और ये भी उतार, जल्दी कर जल्दी कर। ऐसे हो तो अभी तक देवी गई नहीं तेरे अंदर से। चल मेरे देवता, इसको ठीक कर दे, वहां बताता हूँ अभी क्या हो गया। चल दबा टांगे मेरी, दबा। रघुवर चर दबा। अरे इतने सारे रुपए। हाँ इससे औजार खरीद लेना, अब कारीगर को कोई चीज की कमी नहीं। पारो 500 रुपए। अब बोलो भगवान है ना इस दुनिया में? पारो ये तो नहीं जानता भगवान है कि नहीं, लेकिन तेरी भक्ति भगवान से भी बड़ी पारो। Thank you.